2022 के अंदर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आने वाले हैं, और फ्लेक्स फ्यूल आपको एक आम फ्यूल की तरह ही फ्यूल पंप्स के ऊपर देखने को भी मिलेगा। और जो सबसे पहले व्हीकल्स इंडिया के अंदर आएंगे, उनमें से सबसे पहले आपको बाइक्स ही देखने को मिलेंगी। और कुछ कंपनीज ने तो काफ़ी टाइम पहले ही इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स को बना भी दिया है, लेकिन पर अभी उन बाइक्स को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। और 2022 के अंदर पूरे चांसेस हैं कि आपको इथेनॉल बाइक मार्केट के अंदर भी देखने को मिल जाए। तो फिर अब बात आती है, तो पुरानी बाइक्स का फिर क्या होगा? BS3, BS4, BS6, इनमें से कौन सी बाइक्स जो हैं वो इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल से चल पाएंगी? और अगर चल पाएंगी तो हमें बाइक के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें करानी पड़ेंगी, तो जानेंगे आज ये सारी चीज़ें। तो हेलो एंड वेलकम टू द बीजी फैक्टोस, मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल हैं ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और इथेनॉल भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ये एक तरीके से एल्कोहल ही है, लेकिन पर इसे फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे कि ये व्हीकल्स के अंदर चल सके, और फिर ये बन जाता है आपका इथेनॉल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी ओल्ड बाइक्स की, BS3 और BS4 की। एक चीज़ आपको सबसे पहले ये समझनी होगी कि जो इथेनॉल है ये फिर जो प्लास्टिक है और जो रबर है उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। कैसी भी रबर और प्लास्टिक जो कि बाइक के फ्यूल पाइप्स में लगी होती है या फ्यूल सिस्टम में लगी होती है, अगर वो रबर थोड़ा सा भी इथेनॉल के कॉन्टैक्ट में आना शुरू होगी तो ये धीरे धीरे उसे अपने साथ ही डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, और जिसके बाद काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और BS3 BS4 मोस्टली बाइक्स के अंदर कार्बोरेटर होता है, और आप सभी को पता है टैंक से जो पाइप पेट्रोल को कार्बोरेटर तक लाता है वो भी रबर का होता है, और कार्बोरेटर के अंदर भी काफ़ी सारे रबर्स के पार्ट लगे होते हैं, और इंजन के अंदर भी गास्केट और सील वगैरह काफ़ी सारी रबर की होती हैं। तो अगर हमें अपनी BS3 और BS4 बाइक को इथेनॉल से चलाना है तो या तो फिर हमें कार्बोरेटर को चेंज करवाना पड़ेगा, या फिर हमें उसी कार्बोरेटर के अंदर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कराने पड़ेंगे, और जिसकी कॉस्ट इंजन मॉडिफिकेशंस को इंक्लूड करके थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिनकी बाइक BS3 BS4 कार्बोरेटर वाली है उनके लिए शायद इथेनॉल एक अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं BS6 बाइक के बारे में, या फिर वो बाइक्स जिनके इंजन के अंदर इंजेक्टर लगा होता है फ्यूल सप्लाई के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है पेट्रोल के अंदर अभी भी 15% इथेनॉल का यूज़ हो रहा है, और गवर्नमेंट इसे बढ़ाकर 15 से 20% भी करने वाली है। और जो आपकी BS6 बाइक्स हैं, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि पूरे तरीके से कॉम्पिटेबल है इथेनॉल और पेट्रोल के मिक्सचर के साथ चलने के लिए, और अगर हमें इन्हें प्योर इथेनॉल से चलाना है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस भी नहीं करवानी पड़ेंगी। बाइक की इंजन हेड गास्केट और सील जो कि रबर की लगी होती हैं उन्हें रिप्लेस करके स्टील या फिर कोर्क गास्केट को पहले लगवाना पड़ेगा। वैसे मोस्टली इथेनॉल व्हीकल्स के अंदर कोर्क गास्केट का यूज़ होता है, और उसे इथेनॉल से कोई डैमेज भी नहीं हो पाता है, यानी काफ़ी कम खर्चे में ही आपकी BS6 बाइक 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल से चल पाएगी। लेकिन पर आपको फिर टाइम टू टाइम अपने इंजेक्टर्स की भी क्लीनिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि इथेनॉल जो है वो थोड़ा इंजेक्टर्स को भी डैमेज करता है, और परफॉर्मेंस भी आपको पेट्रोल के मुकाबले 25% तक कम देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि आपको थोड़ा माइलेज ड्रॉप भी देखने को मिल जाए। तो अगर आप इथेनॉल के साथ थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल भी मिक्स कराओगे तो आपको परफॉर्मेंस, माइलेज और मॉर्निंग में जो बाइक स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आती है वो भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कॉन्क्लूजन यही है कि जिनकी बाइक BS6 है और जिनकी बाइक के अंदर इंजेक्टर लगा है वो इथेनॉल को आराम से यूज़ कर पाएंगे, और वैसे इथेनॉल बनाई पेट्रोल इंजन के लिए मोस्टली, क्योंकि ये स्पार्क जनरेट होने के बाद ही बर्न हो पाता है ठीक से।
तो ऐसा भी हो सकता है कि पुराने बाइक ओनर्स के लिए कोई अलग ब्लेंड का फ्यूल आ जाए या फिर ऐसे पार्ट्स अवेलेबल हो पाएंगे जिससे कि BS3 BS4 बाइक्स भी आपकी इथेनॉल से चल पाएंगी। जैसे ही कोई भी ऐसा अपडेट मिलता है मैं तुरंत आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दे दूंगा। और मैं फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। वैसे मैंने आधी बना भी ली है, आपको ऊपर आई बटन भी शो हो रहा होगा, आप जाकर देख भी सकते हो। इसमें मैंने बताया कि आप अपनी पुरानी कार को इथेनॉल से कैसे चला पाओगे और डीजल कार की क्या परफॉर्मेंस रहेगी इथेनॉल से। और भी बहुत सी वीडियो इससे रिलेटेड और अलग भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।